हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। लो जी, आज मैं बना रही थी चिकन गार्लिक ब्रेड, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले जी, हमने चिकन को बॉईल कर लेना है, नमक और मिर्च डाल, काली मिर्च डाल के तो हम इसको बॉईल कर लेंगे। और साथ में हमने आटा भी जो है ना वो गूंद लिया था, और साथ में ये हमने डिश तैयार कर ली है अपनी। और ये साथ में जो है ना अभी हमने बटर ले लेना है, और इसको हमने जो है ना पिघला लेना है, ठीक है, जब तक होता है। और ये बटर हमने डाली एक बाउल में, और इसमें डाल रहे हैं हम गार्लिक। गार्लिक को हम कूट लेंगे और अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे। अभी देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज़। कोई भी आप क्रीम चीज़ डाल सकते हैं, मैं हमारे पास यही थी तो हमने तो यही वाली डाल ली है, तो कोई भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ सिटीज़ में ऐसे वाली नहीं मिलती, दूसरी मिलती हैं, तो आप ये डाल लें। 3 से 4 चम्मच जो है ना बड़े वो डाल रहे हैं, ठीक है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई जो है ना गुठली वगैरह ना बन जाए अंदर। अभी साथ में जो है ना हम इसमें डालेंगे चिकन, जो हमने देखा था ना बॉईल किया हुआ था वो, उसको हमने छोटा छोटा जो है ना रेशे में कर लिया है, और अब ना इसमें डाल देंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा छोटे छोटे पीसीज हो जाएं, ताकि वो ज़्यादा बड़े बड़े नज़र ना आए इसमें। तो फिर अभी हम इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और जो है ना इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं ऐड करना अभी, जो बस हमने चिकन में ऐड किया था शुरू में, बस वही जो थी वही इसमें रहने देंगे। ये थोड़ा सा भी रह गया था वो भी हमने डाल दिया इसमें। अगर आपको लगे इसमें कि मक्खन थोड़ा सा कम लग रहा है, कि ज़्यादा थिक्की थिक्की सा नहीं बन रहा, तो आप इसलिए जो है ना और भी डाल सकते हैं मक्खन। और ये अच्छे से जो है ना जब हो जाएगा, तो हम इसको जो है ना अपने जो आटा गूंदा हुआ था उसके जो है ना रोटी बना के तो उसके ऊपर लगाएंगे। अभी आटा हम अपना ले लेते हैं, और उसको जो है ना उसका जितना आपको लगे कि पतली सी रोटी बन जाएगी, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी, उतना सा हम जो है ना एक पेड़ा ले लेंगे और उसकी हम एक रोटी बनाएंगे। अब हमारी रोटी रेडी हो गई है, और उसको हम डालेंगे जो हमने डिश तैयार की थी उस पे। और पहले ऑयल लगा के हम इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब रोटी बने तो वो जो नीचे से जो है ना लगे नहीं, साथ में आराम से जो है ना उतर जाए। अब इसके ऊपर हम रोटी डाल लेंगे, ठीक
अब हम इसके ऊपर जो है ना ऑरिगैनो डालेंगे और मज़रेला चीज़ डालेंगे। मज़रेला चीज़ कोई भी आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। पहले हम मज़रेला चीज़ डालेंगे और इसके बाद हम ऑरिगैनो ऊपर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ओवन में रख लिया। तो ये देखें जी, इसको तो जो है ना आप लोग 10 से 15 मिनट पका लें, तो 180 डिग्री पे रख लें। जब आप देखें तो फिर जो है ना थोड़ा सा आप इसको देख लें, खुद भी अगर ऊपर से ब्राउन हो चुका है तो बाहर निकाल लें। ये देखें भी आप, बिल्कुल ये पक चुका है और बहुत ही मज़े का बना था। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह।